हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी डिक्टेशन 40 शब्द प्रति मिनट, जो कि स्टार्ट होता है अब। स्वतंत्रता के पश्चात सेंट्रल प्रोविंस और वरार में बघेलखंड कौमा छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का राज्य बनाया गया था, जिसकी राजधानी नागपुर थी कौमा, परंतु राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर तत्कालीन मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों में फेरबदल करते हुए उसे पुनर्गठित किया गया। 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसमें मध्य भारत कौमा विंध्य प्रदेश कौमा पूर्ववर्ती सीपी व बरार एवं भोपाल की रियासतों को सम्मिलित किया गया। नए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। मध्य प्रदेश की भौगोलिक आकृति में एक परिवर्तन पुनः उस समय आया कौमा, जबकि छत्तीसगढ़ को इससे अलग कर दिया गया। फुल स्टॉप। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन के उपरांत नवीन छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जा चुका है। इन परिवर्तनों के बाद भी ये प्रांत देश का हृदय स्थल है। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण ही इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 54 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर तक है। फुल स्टॉप। मध्य प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर एवं
चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में 605 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 308,245,000 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अखिल भारत में मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश भू आवेष्टित राज्य है, जिसकी सीमा 5 राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ से मिलती है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भूश्रृंखला का भाग है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद वृक्ष है, जिसे बट वृक्ष या बड़ वृक्ष भी कहते हैं। प्रदेश का राज्य पक्षी, राज्य पशु बारहसिंगा एवं राज्य पक्षी दूधराज है। नेक्स्ट पैरा। मध्य प्रदेश में 50 जिले ब्रैकेट नवनिर्मित जिले यथा अलीराजपुर व सिंगरौली सम्मिलित ब्रैकेट क्लोज 342 तहसीलें 476 नगर / शहर 313 विकास खंड तथा 54,903 कुल ग्राम हैं। लिस्टॉप संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम पारित होने के उपरांत प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना के फलस्वरूप 50 जिला पंचायतें 313 जनपद पंचायतें तथा 23,012 ग्राम पंचायतें गठित की गई हैं, जिसके तहत प्रदेश में 52,727 ग्राम सभाएं स्थापित की गई हैं। राज्य में शहडोल को 10वें संभाग के रूप में वर्ष 2008 में
गठित किया गया है? नेक्स्ट पैरा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 72,05,97,565 व्यक्ति है। इस प्रकार प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 930 है। बालाघाट, डिंडोरी, कौमा मंडला एवं अलीराजपुर जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, जो कि क्रमशः 1021, 1004, 1005 एवं 1009 है, जबकि भिंड में सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात लिंगानुपात 838 है। जनसंख्या के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इंदौर है और सबसे छोटा जिला हरदा है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश का छठा सबसे बड़ा प्रदेश है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे शेयर, कमेंट और लाइक आप ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी न्यू नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगी।